दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा लेटर बम, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगाया 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंधा महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल ने मुझे ट्वीट करके महाठग बोला है। मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपके हिसाब से मैं महाठग हूं तो आपने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए और मुझे राज्यसभा की सीट ऑफर क्यों की। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए सुकेश चंद्रशेखर ने अपने लेटर में लिखा कि आपने सत्येंद्र जैन के साथ में मिलकर मेरी डिनर पार्टी क्यों अटेंड की और वहीं पर ही आपके निर्देश पर 50 करोड़ रुपए की डील हुई और असोलाय के एक फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को 50 करोड़ रुपए दिए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के लेटर में आगे लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल, आपने मुझसे तिहाड़ जेल में फोन पर बात की, सत्येंद्र जैन के फोन में आपका नंबर AK2 के नाम से सेव है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर उनसे 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। ये आपको बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे महाठग केजरीवाल ने ठगा नहीं। हर बार अरविंद केजरीवाल लव लेटर लिखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए लिए हैं। अब ये बात साबित हो चुकी है, पैसों का ये लेन देन दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर हुआ है। बीजेपी नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ठगों से बहुत मजबूत रिश्ता है। अगली बड़ी खबर, ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बोले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सुना है कि जेपी नड्डा अगले हफ्ते उसे बीजेपी में शामिल करवाएंगे। ये आपको बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर रुपए लेने का आरोप लगाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने MCD और गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी पर मामले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये तक कहा कि सुना है कि अगले हफ्ते जेपी नड्डा उसे बीजेपी में शामिल करवाएंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि MCD और गुजरात में बुरे तरीके से हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल जी के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में उसे मदद करेगी। मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे जेपी नड्डा जी बीजेपी में शामिल करवाएंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को 1500 रुपए महीने और गाय का गोबर खरीदने का भी किया वादा। यह आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1,00,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह, 300 यूनिट फ्री बिजली और 2 रुपए प्रति लोग गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि फलों की कीमत बागवान ही तय करेंगे, साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा मोबाइल वैन से हर गांव में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का भी वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने पशुपालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीद करने का भी वादा किया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल की रैली में PM मोदी ने दी चेतावनी, बोले खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में BJP की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, हकीकत में वे ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। PM मोदी ने यहां पर विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सोलन ने इतनी व्यापक प्रतिक्रिया के साथ यह संदेश दे दिया है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बरसों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थ तत्व और समूह पैदा हो गए हैं जो भारत को स्थिर नहीं देखना चाहते, भारत में स्थिर सरकार नहीं देखना चाहते। देश के छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब केंद्र में स्थिर सरकार
बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद नक्सलवाद काबू में आ गए। नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान स्वार्थी समूहों के खिलाफ लोगों को चेताते हुए कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के लोगों को प्रियंका गांधी ने दे दी बड़ी गारंटी। कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो 1,00,000 लोगों को देंगे नौकरी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर 1,00,000 नौकरियां देगी। ये फैसला कैबिनेट की पहली ही बैठक में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, 5 साल में 5,00,000 नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारी गारंटी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी। ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नशीले पदार्थों की समस्या से भी लड़ेगी जो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे। कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अपने वादों को पूरा करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लेकर केजरीवाल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले मैं लिख कर दे रहा हूँ, गुजरात में 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उसमें राजनीतिक दलों की बयानबाजी ने तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया है। आरोप प्रत्यारोप से इतर अब तो भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं लिख कर दे रहा हूँ, इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। केजरीवाल ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गुजरात में कोई भी इस पुरानी पार्टी को अब गंभीरता से नहीं लेता है। गुजरात के लोगों को बदलाव की जरूरत है। अगर लोग बदलाव नहीं चाहते तो वहां हमें कोई भी जगह नहीं मिलती। वहां इस बार हमें 30% वोट शेयर मिल रहा है। जनता के इसी बदलाव के मन पर हमने पंजाब में सरकार बनाई और अब गुजरात में भी सरकार बनाएंगे। गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक उपस्थिति पर भरोसा जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि पार्टी विधानसभा में 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनावों के बारे में केजरीवाल ने कहा कि 2024 तो अभी दूर है, उसमें तो अभी वक्त है, अभी तो केवल गुजरात पर चर्चा करने का समय है। गुजरात में कांग्रेस के वोट काटने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के वोट शेयर में 20% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई आंतरिक सर्वेक्षण नहीं है, वो सारा वोट शेयर हमारे पास आ रहा है जिसमें कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा खुलासा। बोले बीजेपी ने गुजरात चुनाव नहीं लड़ने की शर्त पर दिया ऑफर। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से हटती है तो बीजेपी ने जांच में उलझे मंत्री मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को छोड़ने की पेशकश की है। ये बात उन्होंने NDTV के टाउन हॉल कार्यक्रम में कही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उनको ऑफर भी दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने पहले मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था और अब वे उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने अब मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप गुजरात छोड़कर वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को छोड़ देंगे और उनके विरुद्ध सभी आरोप हटा देंगे। जब अरविंद केजरीवाल से यह पूछा गया कि उनको यह प्रस्ताव किसने दिया तो केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने किसी का नाम कैसे ले सकता हूं, प्रस्ताव उनके माध्यम से आया है। देखिए, कभी सीधे संपर्क नहीं करते, वे एक से दूसरे मित्र के पास जाते हैं और फिर संदेश आम आदमी पार्टी तक पहुंचता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गुजरात में एक साथ चुनाव कराए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक साथ MCD चुनाव कराने से यह नहीं दिखता कि केजरीवाल को घेरा गया है, इससे पता चलता है कि बीजेपी डरी हुई है। अगर उन्हें दोनों जगहों पर जीत का भरोसा होता तो वे इस तरीके की बात पर जोर नहीं देते। तथ्य यह है कि बीजेपी को डर है कि वे गुजरात और दिल्ली MCD चुनावों में हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुनिश्चित किया है कि दोनों चुनाव एक ही समय पे हों।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर हुई मनीष सिसोदिया के पीए की गिरफ्तारी। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जैसे गुजरात चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर बढ़ रहा है, उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। वे नहीं चाहते कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात में चुनाव प्रचार करें, इसीलिए वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। पहले भाजपा मनीष सिसोदिया को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर भी दे चुकी है। विधायक दिलीप पांडे ने दावा किया है कि अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऑफर दिया है कि वो गुजरात ना जाएं, बदले में हम सत्येंद्र जैन को भी छोड़ देंगे, साथ ही मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि इस ऑफर को अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया है। नतीजा यह है कि आज मनीष सिसोदिया के पीए के यहां पर बीजेपी ने फर्जी रेड कराई है। ये अगले कुछ दिन में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इस संदेश को गुजरात की जनता साफ पढ़ चुकी है। गुजरात के लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर की पहले दिल्ली चली और फिर पंजाब चला है। दिलीप पांडे इस सवाल पर कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास बीजेपी का ऑफर किस तरीके से आया, किस नेता की तरफ से आया, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि बीजेपी बेशर्म हो चुकी है कि पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटे तो फिर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऑफर किस नेता की तरफ से आया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्षेत्रीय दलों को बताया मैच फिक्सिंग पार्टियां। कहा कांग्रेस ही करेगी बीजेपी का मुकाबला। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रीय दलों को मैच फिक्सिंग पार्टी करार दिया है और कहा कि भाजपा से केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा से तरह संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पदयात्रा से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार और राज्य में मोदी व राव दोनों सरकारों को डबल इंजन बताते हुए कहा कि ट्रेन गलत रास्ते पर जा रही है और भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य इसे सही रास्ते पर वापस लाना है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय दल मैच फिक्सिंग पार्टियां हैं, भाजपा के साथ उनकी अच्छी समझ है। वे सभी पार्टियां ईडी, आयकर और सीबीआई से डरे हुए हैं, इसीलिए भाजपा से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं लड़ सकता। AIMIM भी मैच फिक्सिंग पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है और यह राज्य कांग्रेस के लिए एक बूस्टर के रूप में काम करेगी और पार्टी को नई दिशा मिलेगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। कहा आम आदमी पार्टी का गुजरात में नहीं है कोई भी आधार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होगी, आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई भी आधार नहीं है। इनके इस बयान के बाद बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी असर नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस आम आदमी पार्टी ही सरकार बनाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं जीत पाएंगी। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी और कांग्रेस और बीजेपी 32 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है, क्या इस बार केजरीवाल सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा ऐलान। बोले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे कुछ राजनीतिक दल, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा जो चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की सुविधाएं और सब्सिडी देने का वादा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे बजट बिगड़ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। केंद्रीय रेल और कोयला राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दल सेलफोन और टेलीविजन सेट बांटने का चुनावी वादा करते हैं, इससे राजकोष पर बोझ पड़ता है। दानवे ने कहा कि केंद्र भी उच्च कीमतों पर खाद्यान्न खरीदता है और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम कीमतों पर आपूर्ति करता है, जिससे बजट प्रभावित होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और देश पहले 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब 5वें स्थान पर है। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे हैं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हिमांशु व्यास बीजेपी में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आपको बता दें कि गुजरात कांग्रेस सचिव के पद से इस्तीफा देने के बाद हिमांशु व्यास कुछ घंटे बाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद हिमांशु व्यास ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उनका जोरदार स्वागत किया। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार ने खेला बड़ा दांव, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को लेकर लिया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि गुजरात में चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने गुजरात के दो जिलों आनंद और मेहसाणा के जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे दिया है कि वो अपने लेवल पर जांच करके पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए हिंदू परिवारों को नागरिकता दे दे। इसे गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व की राजनीति में बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। मेहसाणा जिले के ग्रामीण इलाकों में एक कॉलोनी बनाई गई है जिसे नाम दिया गया है सहकार कॉलोनी। इस कॉलोनी में करीब 27 ऐसे परिवारों को बसाया गया है जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए हैं। इनमें से कुछ लोग 2017 में आए हैं तो कुछ लोग 2019 में आए हैं। सूरत में इन्हें 45 दिनों का वीजा मिलता है, इसके बाद 5 साल का लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाता है और फिर ये नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें एक लोकल शख्स की भी जरूरत पड़ती है जो इन लोगों के लिए गारंटर का काम करता है। आपको बता दें कि इसे गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व की राजनीति में सबसे बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में किसकी बन सकती है सरकार, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात की सभी 182 सीटों के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात का मिजाज जानने के लिए सी वोटर ने ताजा ओपिनियन पोल कराया। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर के सर्वे में हैरान करने वाले जवाब मिले हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 31 से 39 सीटें, आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि सी वोटर के सर्वे में इस बार बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी और उसको 131 से लेकर 139 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन आपका क्या अनुमान है, इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।